नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्तों मनु मोड़ ते पंजाब जीके दी है अपनी 12वीं क्लास है। इस तो पहले मैं थोड़ा 11 क्लासेस प्रोवाइड करवा दी है, जिस बार जिस विच आपां पंजाब दी जियोग्राफी तो लैके पंजाब विच सिख धर्म की उत्पत्ति, इस तो अलावा सिंधु और हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो उत्पन्न होया सी अपने पंजाब के पंजाब एरिए उस रिगार्डिंग थ्यूरी क्लासेस से एम सी क्यू भी प्रोवाइड करवा दिते ने। 100 एम सी क्यू जिहड़े सिख धर्म गुरुज़ दे रिगार्डिंग मैं पहले ही तुहानू वीडियोज़ विच प्रोवाइड करवा दिते ने। इस वीडियो विच आपां होर 50 इंपोर्टेंट एम सी क्यू कवर करांगे। तो दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम विच डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करके ज़्यादा लाइटली ना लियो, नाल दी नाल राइट डाउन जरूर कर लियो। क्वेश्चन नंबर 102 की गल करिए, कहिंदा सिख धर्म का पंजवा गुरु कौन सन, तो वह सी श्री गुरु अर्जन देव जी, सिख धर्म के पंजवें गुरु से। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी की माता का नाम की है। क्वेश्चन नंबर 103 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी का जन्म कदों होया, तो याद रखो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं गुरुओं के जन्म डेट और ज्योति ज्योत समाउण दा डेट होंदी जी। तो गुरु अर्जन देव जी का जन्म कदों होया, 15 अप्रैल 1563 गोइंदवाल विखे होया। क्वेश्चन नंबर 104 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी के पिता और माता का नाम की सी, तो गुरु रामदास जी और बीबी भानी जी, इतने स्पैलिंग मिसटेक है, गुरु रामदास जी और बीबी भानी जी गुरु अर्जन देव जी के माता के पिता ने। एंड दोस्तों एक इनफॉर्मेशन होर, जो तुम हाले तक साडा वट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं देता है, उत्थे जाके वट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हें हर अपडेट एग्जाम एंड क्लासेस के रिगार्डिंग मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 105 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी की पत्नी का नाम की सी, तो माता गंगा जी गुरु अर्जन देव जी पत्नी का नाम से। क्वेश्चन नंबर 106 की गल करिए, अमृतसर टैंक डैश द्वारा मुकम्मल किया गया से, तो गुरु अर्जन द्वारा ही अर्जन देव जी द्वारा अमृतसर टैंक का निर्माण किया गया से। क्वेश्चन नंबर 107 की गल करिए, हरिमंदर साहिब डैश द्वारा बनाया गया से, हरिमंदर साहिब गुरु अर्जन देव जी द्वारा नींह पत्थर इसका रखा गया से, किसकी हेल्प नाल रखा से, मुस्लिम संत मियां मीर तो रखवाया से गुरु अर्जन देव जी ने। क्वेश्चन नंबर 108 की गल करिए, हरिमंदर साहिब नींह पत्थर डैश द्वारा रखाया गया से, तो मुस्लिम संत मियां मीर द्वारा यह रखवाया गया से। क्वेश्चन नंबर 109 की गल 9 की गल करिए, हरिमंदर साहिब का निर्माण कदों होया सी, तो 1599 ईस्वी में हरिमंदर साहिब का निर्माण होया सी। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखियो। इस तो अलावा क्वेश्चन नंबर 110 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी के पुत्र का नाम की सी, तो गुरु हरगोबिंद जी गुरु अर्जन देव जी के पुत्र का नाम से। क्वेश्चन नंबर 111 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी ने कदों तो कदों तक गुरुगद्दी संभाली, तो 1581 तो लैके 1606 ईस्वी का जो दौर से उस टाइम तक गुरु अर्जन देव जी अपनी गद्दी उपर गुरुगद्दी उपर विराजमान रहे से। क्वेश्चन नंबर 112 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी द्वारा किहड़े किहड़े निर्माण कराए गए से, किहड़े किहड़े निर्माण कराए से गुरु अर्जन देव जी ने, याद रखो एग्जाम में बन सकता है पॉइंट, तो अमृतसर टैंक, संतोखसर अते राम सरोवर, जिहड़ा सरोवर है वह गुरु अर्जन देव जी द्वारा बनवाए गए से। क्वेश्चन नंबर 113 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित बाणियों के नाम, 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ जिस नू पोथी साहिब के नाम नाल भी जाना जाता है, और सुखमनी साहिब गुरु अर्जन देव जी द्वारा बनाए गए से। इस तों अलावा क्वेश्चन नंबर 114 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी द्वारा किहड़े किहड़े शहर दोबारा बनाए गए से, शहर दोबारा किहड़े बनाए गए सी गुरु अर्जन देव द्वारा, रोहेला पिंड और इसका नाम श्री हरगोबिंदपुरा रखा गया से। क्वेश्चन नंबर 115 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी ने किहड़ी नवीं प्रथा पेश की सी, तो दसवंध प्रणाली पेश की सी, जिसका मतलब कि असी जिहड़े भी सिख धर्म विचार मतलब कि विश्वास रखते हैं, वह अपने कमाई का दसवां हिस्सा गुरुद्वारे भेट कर, यह प्रणाली से जिहड़ी गुरु अर्जन देव जी ने चलाई सी। इस तो अलावा क्वेश्चन नंबर 116 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी के समय मुगल सम्राट कौन से, अकबर और जहांगीर का टाइम से मतलब मुगल सम्राट से उस टाइम पूछ लिया जाता एग्जाम में, यह बहुत बार बनते हैं क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी गुरु का नाम पूछेंगे कि उस दे समकालीन कौन मुगल सम्राट से, तो गुरु अर्जन देव जी के समकालीन कौन से, अकबर भी सी ते जहांगीर भी सी, ठीक है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 117 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी के ज्योति जोत समाउण का टाइम की सी, 1606 ईस्वी लाहौर के गुरु अर्जन देव जी ज्योति जोत समा गए। क्वेश्चन नंबर 118 की गल करिए, शहीद होने वाले गुरु कौन ने, दसे गुरुओं में अपने एक
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 119 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 120 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕਿਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 121 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੀਣ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੌਣ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 122 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 123 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ 6ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 124 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 125 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 19 ਜੂਨ 1595 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਤਲਬ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ 3 ਪਤਨੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ। ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 127 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ 6 ਬੱਚੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰਦਿੱਤ, ਐਨੀ ਰਾਏ, ਸੂਰਜਮਲ, ਅਟਲ ਰਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ। ਓਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 128 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੈਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 129 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਤਾਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 130 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 131 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਕੇ, 132 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ? 1606 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1645 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 133 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਗਾ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 136 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਤਾ। ਪੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 137 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਠਾਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਖਾਨ ਨਾਮਕ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪਠਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 138 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 139 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 140 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੰਜੇ ਤਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 141 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1609 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, 141 ਤੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 142।
गुरु हरगोबिंद जी दे समय दो मशहूर डाडियां दे नाम दसो, नथुमल ते अब्दुल्ला, दो प्रमुख ते मशहूर ढाडी सी। क्वेश्चन नंबर 143 की गल करिए, गुरु हरगोबिंद जी ने किन्ने बॉडीगार्ड रखे से? ठीक है, 52 बॉडीगार्ड से गुरु हरगोबिंद सिंह जी के। क्वेश्चन नंबर 144 की गल करिए, गुरु हरगोबिंद जी ने सरदालू डैश कहते हैं, सच्चे पातशाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की गल करिए, गुरु हरगोबिंद जी के समय काल को कितने भागों में वंडा गया है? 3 भागों में वंडा गया है। गुरु हरगोबिंद जी किस मुगल सम्राट ने कितने बुलाया से? तो जहांगीर ने बुलाया से गुरु हरगोबिंद जी को दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की गल करिए, जहांगीर ने किस गुरु हरगोबिंद जी को कितने गिरफ्तार कर लिया से? गुरु जहांगीर ने जिहड़ा मुगल बादशाह से है ना, उसने हरगोबिंद जी को गिरफ्तार कर लिया से, ग्वालियर विखे गिरफ्तार किया। क्वेश्चन नंबर 147 की गल करिए, जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद जी को ग्वालियर विच किन्ने समय तक गिरफ्तार करके रखा? तो 2 साल तक गिरफ्तार करके रखा। ठीक है, तो दोस्तों सिर्फ ये ना समझो कि ईजी पंजाब की जी के है ये ना एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के, ता करके ही मैं वीडियो भी इनकलूड किए हुए हैं। बाकी मैं फालतू कुछ भी ना खुद पढ़ता ना तुहानू प्रोवाइड करवाउंदा, जिहड़ा भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपोर्टेंट है उही चीज़ मैं तुहानू प्रोवाइड करवाउंदा। सिख धर्म बारे देखो पंजाब का एग्जाम है, जे सिख धर्म है तो सिख गुरुआं बारे 2 क्वेश्चन ना बने तो कोई फायदा नहीं है पंजाब विच, क्योंकि यह मैंडेटरी किया हुआ है कि पंजाब के कैंडीडेट नू पंजाब सिख धर्म अते सिख गुरुआं बारे नॉलेज होनी चाहिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वो दोस्तों 2 क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनते हैं, तो करके लाइटली ना लियो, नाल दी नाल राइट डाउन भी जरूर कर दियो। क्वेश्चन नंबर 149 की गल करिए, गुरु हरगोबिंद जी का विरोध किसने जहांगीर कोल किया? चंदू शाह नामक कोई व्यक्ति से जिसने गुरु हरगोबिंद जी का विरोध जहांगीर कोल किया जो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया से। गुरु मतलब कि गुरु हरगोबिंद जी दे नाल मतलब कि उन्होंने सपोर्ट विच किया से जहांगीर कोल जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 की गल करिए, गुरु हरगोबिंद जी ने किन्ने राजा नू रिहा करवाया से? तो 52 राजा नू रिहा कराया सी।